स्टार्ट कीजिए। ऊर्जा के क्षेत्र में घराटों से जो मैकेनिकल ऊर्जा जो पहले से परंपरागत से हुआ करती थी वो भी आज बंद के कगार पर है। उत्तराखंड में 3000 घराटे हमारे पौड़ी जनपद में 3000 घराटों में से भी लगभग 100 घराट चल रहे होंगे, बाकी सारे घराट बंजर पड़े। पहले आजीविका पौड़ी घराटों से हुआ करती थी, अब बाजारीकरण हो गया, किसाई लोग जो है बिजली से कर रहे हैं, डीजल इंजन से कर रहे हैं, मगर कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आने वाली है कि जैसे 60 रुपये लीटर आपका डीजल हो गया पंप पे, यहाँ 65-70 रुपये पहुँच रहा है और बिजली के भी दिन प्रतिदिन जो है वो भाव बढ़ रहे हैं, तो औसतन 1 किलो पे 3 रुपये पिसाई गांव में पड़ रही लोगों को, और बाजार में जाने फिर भी रुपया खर्चा लगे। पहले ऐसा हुआ करता था कि थोड़ा सा आटा दे दिया घराट स्वामी को, उससे उसका भी आजीविका हो जाती थी। अब समस्या ये हो गई है कि नई टेक्नोलॉजी से जल्दी तो हो रहा है, बहुत जल्दी लोग घराट पीस करके अपना जो है आटा वाटा बना के घर ले जा रहे हैं, मगर वो इतना तेज गति से चलता है कि उसमें सारे तत्व तो आटे के चल जाते हैं, आटे के सारे तत्व चल जा रहे हैं, तो जो है घराट का आटा बिल्कुल ठंडा हुआ, गर्म आटा हुआ बहुत जल गया, तो जो है एक तो वो नुकसान, दूसरी बात में धन का नुकसान, और कुछ दिन के बाद में ऐसी स्थिति आने वाली है कि जब 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो जो है आपका पिसाई हो जाएगी और 20 रुपये किलो जो है आपका गेहूँ बढ़ेगा, तो 30 रुपये किलो आटा बैठेगा, तो लौट के लोगों को फिर घराट पे आना पड़ेगा। घराट के लिए एक ही समस्या है कि घराट की तकनीकी के लिए उसको विकसित करना जरूरी था, हुआ भी है, कई लोगों ने उस पर काम भी कर रहे हैं।